चंडीगढ़ में निजी स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में स्कूल बसें नहीं चलेंगी। चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है, जिसके चलते बस ऑपरेटर आज चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में गुरुद्वारे के सामने रैली करेंगे। तो चंडीगढ़ में निजी स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में नहीं चलेंगी स्कूल बसें। चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है, जिसके चलते आज बस ऑपरेटर चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में गुरुद्वारे के सामने रैली करेंगे। चंडीगढ़ में निजी स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में नहीं चलेंगी स्कूल बसें। और चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है, जिसके चलते बस ऑपरेटर आज चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के गुरुद्वारे के सामने रैली करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, चंडीगढ़ में निजी स्कूल में जो बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में जो स्कूल बसें ना चलने का ऐलान जो बस ऑपरेटरों ने किया है, तो उस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सेंट स्टीफन स्कूल चंडीगढ़ में जो है ये छेड़छाड़ का मामला आया था, उसके बाद प्रशासन ने जो है काफी सख्ती इसमें बरतते हुए जो है स्कूल के प्रिंसिपल और जो जो बस कंडक्टर है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की थी, और उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त जो कानून जो ये निजी जो जितनी स्कूल बसें चलती हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाने के निर्देश दिए हैं विजय कुमार एडवाइजर जो है चंडीगढ़ के। उन्होंने यहाँ पर बोला था कि जितने भी यहाँ पर स्कूल बसें चलती हैं उनके जो है खिलाफ जो है सख्त से सख्त निर्देश दिए जाए और उनको बिल्कुल उनको पालन भी किया जाए। तो उसी के चलते जो है आज यहाँ पर जितने भी स्कूल के बस ऑपरेटर्स हैं, स्कूल निजी स्कूल के बस ऑपरेटर्स हैं, वो आज हड़ताल पे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल पर जो FIR की है या जो उनके मालिक पर जो बस ऑपरेटर जो है मालिक है उनके ऊपर FIR की है वो गलत है और प्रशासन जो है वो मनमर्जी कर रहा है। तो उसी के चलते जो है आज यहाँ पर जितने भी स्कूल है यहाँ पर 1000 करीब 1000 जो है बसेज यहाँ पर चलती है चंडीगढ़ में स्कूल बसेज की। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर पेरेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर एडवाइजर जो है विजय देव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये जिस तरह की मनमर्जी कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो उनको जो है सख्ती से निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, उनको सख्ती से जो है निपटा जाए। हालांकि इसकी परवाह ना करते हुए यहाँ पर स्कूल के जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं आज वो यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ है और उन्होंने यहाँ पर 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में यहाँ पर मीटिंग बुलाई है और यहाँ पर उसकी आगे की रणनीति जो है कि प्रशासन से किस तरह से निपटा जाए उसके जो है आज मीटिंग रखी है। लेकिन प्रशासन भी जो है इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी जो है मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ तौर पे प्रशासन ने कह दिया है कि जो भी स्कूल ऑपरेटर्स हैं उनकी मनमर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जी जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में निजी स्कूल में बस बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में नहीं चलेंगी स्कूल बसें। ये ऐलान चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने किया है, जिसके चलते आज 11 बजे सेक्टर 34 में गुरुद्वारे के सामने आज बस ऑपरेटर संघ जो है बैठक करेगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।